हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेम बॉटनी यूनिट फर्स्ट जिसके बारे में हम आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोप। सो इस यूनिट में माइक्रोस्कोप है सबसे फर्स्ट टॉपिक है और इसके साथ साथ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। सो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप होता क्या। सो अ माइक्रोस्कोप मे बी डिफाइंड एज इट एनालाइज ऑब्जेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी बाय आर नेक्ड आईज एंड इज फ्रॉम अस एज माइक्रोस्कोपी। सो ये माइक्रोस्कोप क्या है। एक माइक्रोस्कोप उसे कहते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो मीन्स छोटा ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर होता है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म, ये छोटी सी चीज़ को अगर हम उसे बड़ा करके देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको बड़ा करके देखते हैं, तो जिससे हम देख रहे हैं उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। जिसे हम नेक्ड आइज, यानी नेक्ड आइज मतलब जिन्हें हम नॉर्मली आँखों से देख नहीं सकते, उन्हें बोलते हैं नेक्ड आइज, ठीक है। तो हम उसे हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और दिस फिनोमेना इज नोन एज, यानी इस घटना को माइक्रोस्कोपी कहते हैं, जो हम देखते हैं इस प्रोसेस को माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। सो माइक्रोस्कोप बहुत से टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में हमने ये किसके बेस पे किया गया है, हमने ये सोर्स के बेस पे किया गया है। ये टू टाइम में डिवाइड किया गया है, किसके सोर्स के बेस पर। सोर्स मतलब ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप है और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट का यूज़ करते हैं, लाइट से देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं किस पे, ऑब्जेक्ट पे, ओके, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में टू टाइप के हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज़ करेंगे। Use optical lenses and visible light. इसमें हम optical lenses use करेंगे and visible light, जो मतलब visible यानी visible होती है, दिखती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। Illuminate the specimen with visible light rays. और इसके साथ light rays का use होगा। इसमें object and eyepiece lenses use होंगे, objective lens and eyepiece lenses, ठीक है, इस टाइप के lenses use होंगे। The viewing and optical lenses are made of glass. और जो ये ऑप्टिकल लेंसेस हमने बोला यहाँ यूज़ होंगे, तो ये बने किसके होंगे, ग्लास के बने हुए होंगे, ऑफ कैन कॉनकेव। और जो ग्लास होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव या कॉनवेक्स प्लेन्स भी हो सकता है। कॉनकेव मतलब होता है इस टाइप वाला, ठीक है, कॉनवेक्स मतलब होता है इस टाइप, ठीक है। कॉनकेव मतलब जहाँ पर गड्ढा हो, ठीक है, उसको कॉनकेव बोलते हैं, गुफा एक टाइप की, ठीक है। कॉनवेक्स यानी सामने से उठा हुआ हो, ठीक है, ये कॉनवेक्स प्लेन होता है। तो ये दोनों टाइप के ग्लास यूज़ होते हैं इसमें बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जरिए होते हैं। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ही लाइट माइक्रोस्कोप में भी टाइप थे, तो आपके में ये इंपॉर्टेंट है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है, इसको इन्वेंटेड किया था, यानी सबसे पहले इन्वेंटेड यानी आविष्कार किसने किया था, फ्रिल्ज जर्नेक ने किया था, 1953 में किया था, और इन्हें अवार्ड में मिला था, अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़। इसका मतलब ये है कि इन्होंने मतलब माइक्रोस्कोप जो किया था फेस कंट्रास्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, इसलिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस हाई कंट्रास्ट इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन, अगर कोई ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। अगर कोई ट्रांसपेरेंट है उसको भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है उसको देख नहीं सकते, ठीक है। द कंडेंसर हैज़ अ स्पेशल डायफ्राम कंसिस्टिंग एज एनुअल स्टॉप विच अलाउ ओनली अ हॉलो कोन ऑफ लाइट रे टू पास थ्रू द कंडेंसर। तो इसको हम क्या करते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, इसमें जो हम लाइट रे यूज़ करते हैं उसको कंडेंसर के थ्रू हम पास करते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है। द फेस प्लेट इज अ स्पेशल ऑप्टिकल डिस्क लोकेटेड इन द रियल फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच रिटार्डेड द डायरेक्ट रेज, ठीक है।
So this face plates immerse the light in single face and help to contrast the image. तो ये जो जितनी भी plates इसमें use होती हैं वो help करती हैं किसको image को contrast करने में. Contrast यानी उसको देखने में. अब वो चाहे transparent हो, transparent का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, यानी कोई ऐसा object, यानी कोई ऐसा कीड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसको भी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और कैसा दिखता है. ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, यानी सिद्धांत. ठीक है, सिद्धांत इसके क्या है. व्हेन लाइट पासेस, जब क्या किया जाता है, लाइट पास की जाती है, कंडेंसर एनुलस मॉडिफाइज द लाइट बीम. ठीक है, तो कंडेंसर जो है वो क्या कर देता है, उस लाइट को लाइट बीम में कन्वर्ट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है. देन व्हेन सैंपल इज इंसर्टेड, इट स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ लाइट विच इज देन रिफोकस्ड टू द डिटेक्टर. तो ये क्या करता है, सैंपल पर डालने से पहले लाइट को स्कैटर कर देता है. स्कैटर मतलब बहुत सारे पार्टों में डिवाइड हो जाना, क्योंकि लाइट बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, सो टू डिस्टिंग आइज डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द स्कैटर्ड बाय द सैंपल आर प्लेट इज इंसर्टेड. लाइट क्रॉसेज अ थिकर पार्ट ऑफ द प्लेट टू शिफ्ट इट्स फेस. ठीक है, सो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, बाद में आगे पढ़ते हैं. सो ये देखिए इस टाइप का होता है डायग्राम इसका. ये जो है ऊपर फेस लाइट प्लेट है, ठीक है, इसके नीचे ये आती है रिफ्रेक्टेड और डिफ्रेक्टेड लाइट फेस अल्टर्ड बाय स्पेसिमैन. ये यहाँ पर कंडेंसर लगा है, इसके नीचे स्पेसिमैन है. स्पेसिमैन यानी हम यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे. ठीक है, ये कंडेंसर हो गया एक और. ठीक है, ये होता है एनुलर डायफ्राम. ये लाइट सोर्स, यानी यहाँ हम लाइट सोर्स कहाँ डाल रहे हैं, देख हम ऊपर से रहे हैं, ये आइज देख ऊपर से रहे हैं, लेकिन लाइट सोर्स कहाँ है, नीचे, नीचे से हम लाइट डालते हैं. एनुलर डायफ्राम क्या करेगा, उस लाइट को कन्वर्ट कर देगा, जैसे ये, ठीक है, इसको फैला देगा, स्कैटर्ड कर देता है लाइट को. ठीक है, स्कैटर्ड करके कंडेंसर पे डाला. अब ये कंडेंसर कैसा था, ये कंडेंसर क्या करेगा, ये फोकस करता है, सारी लाइट को इकट्ठा करके एक जगह डाल देगा. अब स्पेसिमैन यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये सारी लाइट कहाँ डाल देगा, एक स्पेसिमैन पर फोकस कर देगा. ठीक है, अब ये स्पेसिमैन से कहाँ जाएगा, अब यहाँ पर एक और लेंस लगा हुआ है कंडेंसर. अब ये क्या करेगा, यहाँ से लाइट जाएगी कंडेंसर के ऊपर. अब कंडेंसर से फिर एक तरफ फोकस होके जाएगी फेस लाइट प्लेट पे, फिर हमें यहाँ से आई ऑब्जेक्ट, आई से हमें दिखेगा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं. ठीक है, आई से, आंखों से हमें ये दिखेगा कि कैसी स्ट्रक्चर है इसकी. ठीक है, सो इसके बारे में आप देख लेना, इसके बारे में यही लिखा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन वगैरह. और इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. इट मेक्स मोर हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल. सो ये क्या होता है, हाईली ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको विजिबल करने में, यानी उसको भी देखने में ये हेल्पफुल होता है काफ़ी ज़्यादा. ये कौन सा, ये वाला माइक्रोस्कोप, जिसे क्या बोलते हैं, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बोलते हैं. एग्जामिन इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट, और सेल के इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट, तो ये सेल के अंदर के कंपोनेंट को भी दिखाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं. यूज टू सी अनस्टेन्ड सैंपल्स, और ये इसके अलावा अगर हम किसी सैंपल को, यानी सैंपल यानी कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स अगर हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें, ठीक है, अगर हम उसको स्टेन ना भी करें तो भी हम इसे आराम से देख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिना स्टेन किए भी हम आराम से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है उसे स्टेन किया जाए. स्टेन का मतलब ये होता है, जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर हम कुछ स्टेन के लिए हम कुछ कलर ऐसा डाल दें कि बैक्टीरिया अलग से नजर आए ऊपर से, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेन. अलग ही कलर हमने यहाँ पर कर दिया, जिससे ये जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल अलग ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अलग ही कलर के नज़र आ रहे हैं. नीचे का हमने सारा सफ़ेद अलग कलर कर दिया, अब ये अलग ही कलर के नज़र आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेन करना. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे समझ लिया, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. सो नेक्स्ट पर आते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो लाइट माइक्रोस्कोप में उतना ही था इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक ही था फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप. अब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले इन्वेंटेड किया था मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रुस्का ने, ठीक है, सबसे पहले इन्वेंटेड किया था. और कब किया था, 1931 में किया था, और ये थे जर्मनी के. ओके, इट इज़ टेक्निक यूज टू ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन. तो ये ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, किस में यूज़ किया जाता है, ये चाहे बायोलॉजिकल हो, कोई भी
या नॉन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब होता है कोई भी जिंदा चीज़, ठीक है। नॉन बायोलॉजिकल मतलब यानी जिंदा नहीं हो, ठीक है। तो कोई सा भी स्पेसिमैन हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल हो चाहे वो बायोलॉजिकल हो, अगर इससे हम देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो वो क्लियरली नज़र आता है। और इसके अलावा HD में नज़र आता है, HD में नज़र आएगा ये स्ट्रक्चर। अगर हम स्पेसिमैन का देखें तो HD में, कहते नहीं है बिल्कुल HD में देखो कोई चीज़, तो HD में नज़र आती है, उसके अंदर उसके चारों तरफ से दिखेगी हर चीज़, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही होता है। सो चलो हम इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसके बारे में ड्रिल में अच्छे से समझ लेना। सो चलो फर्स्ट आता है कैथोड। चलो पहले हम इसके डायग्राम पे चलते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसका डायग्राम है ये। तो डायग्राम में सबसे नीचे आ जाता है कैथोड, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम, ये कैथोड आ गई, ये एनोड आ गई, ये कंडेंसर आ गया। कंडेंसर का काम क्या है, वही फोकस करने का। ये कंडेंसर के बाद ये आ गई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ट्यूब है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आ गया, इसके बाद ये इंटरमीडिएट इमेज आ गई, यहाँ पर इमेज रखी जाएगी, उसके बाद प्रोजेक्टर, और यहाँ पर फाइनल इमेज हमें नज़र आएगी, फाइनल इमेज ऑन स्क्रीन। हम यहाँ आँखों से फाइनल इमेज देखेंगे कि कैसी दिख रही है, ओके, ठीक है। तो हम इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले आता है हमारा कैथोड, जो सबसे नीचे था। इट जनरेट्स करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वेरी हाई वोल्टेज। तो ये क्या करेगा, बहुत ही हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन करंट, मतलब करंट फेंकेगा, ठीक है। कैथोड, कैथोड ट्यूब उसके बाद आती है। इट इज़ लॉन्ग ट्यूब, और किसकी बनी हुई है, ये मेटल की बनी हुई है, धातु की बनी हुई है। एंड कैथोड एट वन एंड, और एक सिरे पर क्या है, कैथोड है। टू एलिमिनेट ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ रेज, अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन इट थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड रीच द कंडेंसर लेंस। अब ये क्या होंगे, कैथोड से, ये देखिए इसके ध्यान से, कैथोड से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन बीम निकली, रेंज निकली कुछ। अब ये कैथोड से कैथोड ट्यूब की ओर होते हुए गई कंडेंसर से, ठीक है, कंडेंसर से होते हुए गई यहाँ से, ठीक है। तो ये किसकी बनी हुई थी, जो ये लॉन्ग ट्यूब थी, यहाँ पर जो लॉन्ग ट्यूब बनी हुई थी, ये किसकी थी, मेटल की बनी हुई थी। तो यहाँ से होते हुए गई हैं, ठीक है, कंडेंसर लेंस तक पहुँचेंगे ये इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आता है कंडेंसर। इट इज़ अ मैग्नेटिक कॉयल, ये क्या मैग्नेटिक कॉयल है, विच फोकसेस द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ऑन द सैंपल इन द फॉर्म ऑफ अ बीम, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। क्या काम करता है, ये काम फोकस का करता है। अगर कोई भी रे है या इलेक्ट्रॉन बीम है, उसको क्या करेगा, फोकस करेगा, यानी एक जगह पर डालने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, इस टाइप के ये जो है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, कि हैं बने, सेम ही बने हुए हैं, सिंपल सा डायग्राम बनाया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये कंडेंसर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल। ये किसका बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक है, कॉयल का बना हुआ है, विच फॉर्म्स द फर्स्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सैंपल। ये क्या करेगा, सबसे पहला एक ऐसा लेंस है जो क्या करेगा, इमेज को मैग्नीफाई कर देगा, ये मैग्नीफाई यानी जूम कर देगा, अच्छे से उसे दिखाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑक्यूलर लेंस, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ हुआ, नेक्स्ट आता है ऑक्यूलर लेंस, इसे आईपीस लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल, ये क्या है, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल है, विच अगेन मैग्नीफाइज, और ये क्या करेगा, फिर से उसे मैग्नीफाई करेगा। सबसे पहले किसने मैग्नीफाई किया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्नीफाई किया, फिर सेकेंडली किसने किया मैग्नीफाई, ऑक्यूलर लेंस या आईपीस लेंस ने उसे मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई यानी HD में दिखाना, उससे थोड़ा सा जूम करके अच्छे से दिखाना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल है, सबसे पहला कौन सा था, कंडेंसर, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर आता है ऑक्यूलर लेंस, विच अगेन मैग्नीफाइज, हाँ इसने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट आता है सिक्स पे, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, या इसे फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट इमेज नज़र आती है, इसमें हम लास्ट इमेज देखते हैं इसके ऊपर, ये रही फाइनल इमेज ऑन स्क्रीन, इस पे, ठीक है। द फाइनल इमेज ऑफ द स्पेसिमेन इज फॉर्म्ड ऑन इट, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द इमेज कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम। तो इसके हम क्या करेंगे, अब ये बहुत जूम तो हो गई है, बहुत जूम हो गई, HD में दिखाया है, ठीक है, फुल। अब कहाँ देखा गया है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे देखेंगे। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर आ तो जाएगी, लेकिन हम उसे देखेंगे किससे, आंखों से देखेंगे या किससे देखेंगे, तो हम एक कंप्यूटर से देख सकते हैं उसे अच्छे से,
कंप्यूटर से उसमें हम डालें, ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो उस तरीके से हम कंप्यूटर से प्रोग्राम कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, उसके बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा जो ये हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो टोटली वैक्यूम में होता है, ठीक है, वैक्यूम का मतलब है वैक्यूम, ये लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव इन स्ट्रेट लाइन्स ओनली इन वैक्यूम बिकॉज इन एयर दे आर कोलाइड विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स, देयरफॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर फिटेड इन अ वैक्यूम कैप्सूल। इसका मतलब ये है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी स्ट्रक्चर में क्या कर रहे थे, हम सारे इलेक्ट्रॉन को फोकस करा रहे हैं या फैला रहे हैं, ठीक है, हम यही कर रहे थे, फोकस और फैला रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली हम डायरेक्ट यही कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे हैं, ये यानी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, अगर इनके बीच बीच में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह अगर गैसें भी आ जाएँ तो बीच में वो तो टकरा जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अलग ही पाथ पे चला जाएगा अगर टकरा जाएगा। तो क्या होता है, इस पूरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को वैक्यूम में किया जाता है। वैक्यूम का मतलब ये है ऐसी जगह जहाँ पर कोई गैस ना हो, नो गैस, ठीक है, नो गैस, तो इसलिए उसे वैक्यूम बोलते हैं, ठीक, तो यहाँ पर कोई भी वैक्यूम, और हाँ अगर इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया भी जाता है तो भी वैक्यूम में ही बनाया जाता है इसे, ठीक है, ओके। तो अब हम ये कंप्लीट होता है हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसके टाइप्स पर आ जाते हैं, ठीक है, टाइप्स पर आ जाते हैं, इसके बारे में डायरेक्ट डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो टाइप के हैं, TEM जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सब नॉर्मली समझा देते हैं, TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन का मतलब है इसे हम पूरे HD में देखने वाले हैं, पूरे HD में, जैसे कि अगर हमने ये कोई स्पेसिमैन लिया, ठीक है, चौकोर टाइप का था कोई भी स्पेसिमैन, तो अगर हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देखा, ठीक है, तो ये हमें चारों तरफ से नज़र आएगा पूरा HD में, ठीक है, 4D नज़र आएगा, पूरी चारों तरफ से अच्छे से दिखेगा, अंदर से भी दिखेगा, अच्छे से देखा जाएगा, ठीक है, इसकी लाइट जो है इलेक्ट्रॉन बीम डाला जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ से जाएगी और नीचे होकर जाएगी, यानी चारों तरफ अंदर सब में नज़र आएगा, ठीक है, क्या लिखा है, गिव कंप्लीट इमेज, पूरी इमेज अच्छे से नज़र आएगी, या अंदर की बाहर की ऊपर की नीचे की सबकी, बिकॉज इन विच इलेक्ट्रॉन क्रॉस द स्पेसिमैन, पूरे स्पेसिमैन को ही क्रॉस करते हुए जाती हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम, यूज दिन स्पेसिमैन फॉर बेटर रिजल्ट। तो इसमें ना ये बोल रहा है कि अगर हम कोई थिन स्पेसिमैन लें, यानी कोई पतला स्पेसिमैन लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, पतला स्पेसिमैन अच्छे से नजर आएगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें अगर हमने जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट लिया कोई सा भी, ठीक है, चौकोर था, तो इसमें अगर हमने ये ऑब्जेक्ट लिया तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेगी तो ऊपर ही ऊपर पड़ेगी, ठीक है, इसके आर पार नहीं जाएगी, इसके अंदर का नहीं देख सकते, हम सिर्फ एक ही सरफेस का देख सकते हैं, वो चाहे इधर डाल दें चाहे इधर रे डालेंगे तो इधर का दिखेगा, अगर इसके साइड में डालेंगे तो साइड का दिखेगा, यानी एक ही साइड से दिखेगा, दूसरी साइड से दिखेगा नहीं। इट प्रोड्यूस ऑन 3D स्ट्रक्चर, ओनली 3D स्ट्रक्चर दिखेगी ऑफ द सरफेस ऑफ स्पेसिमैन। इन TEM इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू अ स्पेसिमैन, इन SEM इलेक्ट्रॉन्स आर स्केटर्स और इमेटेड फ्रॉम द स्पेसिमैन सरफेस, ओनली सरफेस फीचर हैव एक्सीडेंट, SEM गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ओनली विच TEM गिव्स द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो TEM में कैसी दिखती है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखती है, लेकिन SEM में ओनली सरफेस नजर आएगा, ऊपर का जो सरफेस होगा वही नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आने वाला, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इस वाली यूनिट फर्स्ट के जितने भी और लेक्चर हैं, यानी और जितने भी टॉपिक बचे हैं, वो हम नेक्स्ट हमें बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच।